मोदी आज बिहार दौरे पर है। वे दरभंगा जाएंगे और बिहार में करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दरभंगा में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले एम्स की आधारशिला रखेंगे। साथियों, हमारा बिहार भारत की विरासत का बहुत बड़ा केंद्र है। इस विरासत को संजोना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए एनडीए सरकार विकास भी और विरासत भी के मंत्र पर चल रही है। आज नालंदा विश्वविद्यालय फिर से अपना पुराना गौरव पाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, विविधताओं से भरे हमारे देश में अलग अलग भाषाएं भी हमारी बहुत अनमोल विरासत है। इन्हें बोलना जरूरी है, इन्हें बचाना भी जरूरी है। हाल में ही हमने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इस भाषा में भगवान बुद्ध के संदेश और बिहार के प्राचीन गौरव का विस्तृत वर्णन है। इसकी जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये एनडीए सरकार ही है जिसने मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। झारखंड में भी मैथिली को द्वितीय राज्य भाषा दर्जा प्रदान किया गया है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि के दर्शन यहां दरभंगा में, मिथिलांचल में कदम कदम पर होते हैं। माता सीता के संस्कार इस धरती को समृद्ध करते हैं। एनडीए सरकार देश भर के एक दर्जन से अधिक शहरों को रामायण सर्किट से जोड़ रही है। इसमें हमारा दरभंगा भी शामिल है। इससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बल मिलेगा। दरभंगा, सीतामढ़ी, अयोध्या रूट पर अमृत भारत ट्रेन से भी लोगों को बहुत मदद मिली है। साथियों, आपसे बात करते हुए आज मैं दरभंगा स्टेट के महाराजा कामेश्वर सिंह जी के योगदान को भी याद कर रहा। आजादी के पहले और बाद में भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में भी उनके कार्यों की बहुत चर्चा होती है। महाराजा कामेश्वर सिंह के समाज कार्य दरभंगा का गौरव है, हम सभी के लिए प्रेरणा है।